हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर्स क्लासेस। मैं अमित सिंह। तो हमारी जो मैथ की सीरीज चल रही है, और इस समय हमारा मैथ का बच्चों लेक्चर चल रहा है स्क्वायर एंड क्यूब। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब के विषय में बताया, और उसके बेसिक बताने के बाद में कल मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। तो बच्चों, उसी जो सीरीज के जो क्वेश्चन है, तो आज हमारा जो अगला लेक्चर है उसमें स्क्वायर एंड क्यूब रूट के हमारे जो लेक्चर है, जो क्वेश्चन है बच्चों, उसको हम लेकर के आगे चलते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, ये ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी उठा करके करा रहा हूं आप लोगों को, ये सब आपकी किसी ना किसी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और मेरा जितना सारा भी कंटेंट होगा वो सब एग्जाम बेस्ड होगा, ये सब प्रीवियस ईयर की किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर लगा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? और बिल्कुल एकदम बेसिक से जो हमारे क्वेश्चन है वहां से हम लोग शुरुआत किए हैं, और चैप्टर के फिर अंत तक हम लोग जाएंगे। जो भी एक चैप्टर के जो भी हमारे 6 से 7 8 लेक्चर जितना भी होंगे हम उसको पूरा करेंगे, ठीक है बच्चों? तो चलिए चलते हैं अपना जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। लेकिन बच्चों, क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए इधर देखिए, जैसे मैंने कल आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर कहीं पर बच्चों, मैंने बताया था कि अगर कहीं पर एक्स स्क्वायर बराबर एम लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स की गुणा 2 बार करने के बाद एम आया होगा। तो हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स बराबर, इसको बच्चों हम लोग एम की पावर 1/2 ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी मैंने कल बताया था। फिर या एक्स बराबर हम लोग इसको बच्चों ऐसे ना ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जब भी कभी ऐसे कभी कुछ लिखा होगा तो आप इसे समझ जाना कि जो एक्स है और जो अंदर एम लिखा है, और यहां पर क्या लिखा 2, तो ये बताता है कि एक्स की 2 बार गुणा करके एम आया होगा। तो आप एक्स का मान बताइए। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे बच्चों मान के चलो मैंने लिख दिया कि एक्स, और रूट बच्चों मैंने कर दिया 25, और जहां कुछ नहीं होता बच्चों वहां तो होता है। अब आप इसका मतलब समझो, तो बच्चों यहां पर इसका मतलब होगा कि ऐसी एक्स की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखें जिसकी 2 बार गुणा करने पर क्या आ जाए, 25 आ जाए। तो हमें एक्स का मान बताना है। अब आप खुद दिमाग से सोचिए कि ऐसी कौन सी संख्या होगी कि जो हम एक्स की जगह रखें और आपका मान कितना हो जाए बच्चों, 25 हो जाए, ठीक है? तो देखिए, इसके लिए आप लोग कुछ समझिए। इसका मतलब ये होगा कि एक्स की कितनी बार गुणा कराएं, 2 बार गुणा कराएं ताकि मान 25 निकल करके आ जाए। तो जो 2 बार गुणा करने पर 25 आ जाएगा वही एक्स का मान होगा। अब आप देखिए, मान के चलो अगर मैं एक्स की जगह 5 रख दूं और 5 की गुणा 5 से करा दूं, तो बताइए बच्चों कितना निकल के आएगा, 25 निकल के आएगा। तो बताइए यहां पर एक्स का मान कितना निकल के आया, 5 निकल करके आ गया, क्योंकि हमें एक्स की जगह बच्चों 5 रखना पड़ेगा, तब जाकर के हम वहां 25 लाते हैं। इसका मतलब ये हो गया है, ठीक है? तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अगर अंदर यहां पर जो है जो भी संख्या है ना 2 बार गुणा होगी, तो बच्चों ठीक है, जो संख्या 2 बार अंदर गुणा हो जाएगी उसमें से एक बाहर आ जाता है। देखिए, जैसे 25 को हम 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। तो इसका मतलब है कि 5 की गुणा 5 से करी गई है, तो हमें एक्स का मान निकालना है। तो बच्चों बताइए एक्स बराबर यहां पर कितना निकल कर आया, 5 निकल कर आया, ठीक है? और मैं इसे और भी अच्छे तरीके से आपके क्वेश्चन में समझाता रहूंगा, बस आप मेरी बात ये समझिए। जैसे यहां पर मैंने लिखा एक्स, रूट में बच्चों मैंने 64 लिख दिया। अब बताओ ऐसा एक्स का क्या मान लोगे आप लोग कि जिसकी गुणा 2 बार करा करके आपका 64 निकल कर आ जाए। तो अगर हम एक्स बराबर बच्चों 8 ले लें, तो 8 की गुणा 8 से कराएंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 64 निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब ये, तो इसका मतलब अगर कभी भी आपको रूट की वैल्यू निकालनी हो, तो देखिए रूट की वैल्यू निकालने के लिए आप जैसे इस 64 को लिख सकते हो 8 गुणा 8। तो जब भी रूट के अंदर 2 मान होंगे, 2 वैल्यू एक जैसी होंगी गुणा में, तो उसमें से एक बाहर निकल के आ जाएगी और वही वैल्यू इस एक्स का मान निकल करके आएगी, ठीक है? और इसी तरह के क्वेश्चन आज हम लेंगे। तो आप देखिए, हम आगे क्वेश्चन लेते हैं और आप देखिएगा, ठीक है? तो बच्चों
चलिए आप लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, हमारे क्वेश्चन है, लिखा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब जो ये हमारे संख्याएं दे रखी हैं, इनका आपको घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। अब घनमूल क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, मैंने कल आप लोगों को कल के लेक्चर में और परसों वाला जो लेक्चर था बच्चों हमारा, मैंने आप लोगों को लेक्चर वन और लेक्चर टू में बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया है। अगर आप देखे होंगे आप निश्चित तौर पर समझ जाएंगे। अब देखिए पूरी बात समझिए, यहां पर क्यूब रूट का मतलब यह है कि ऐसी कौन सी संख्या रही होगी जिसको हमने दो बार मल्टीप्लाई कराया होगा, ठीक है, तो कितना निकल कर आया होगा 512। तो जिस संख्या को तीन बार मल्टीप्लाई कराया गया होगा उसको हम क्यूब रूट कहते हैं। जैसे समझिए, जैसे बच्चों 4 × 4 गुणा में कितना 4, तो बताइए 4 × 16 = 64 हो गया। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 64 का क्यूब रूट क्या है, तो बताइए आप 64 का क्यूब रूट पता है कि 4 की गुणा 3 बार करी गई है, तो आप लोग बता सकते हो कि 64 का क्यूब रूट कितना है 4। क्यूब का मतलब जिसकी 3 बार गुणा कर करके उस संख्या को प्राप्त करा गया हो, तो इसका मतलब बताओ बच्चों 64 का क्यूब रूट क्या है 4। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए बच्चों ऐसे करके अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका क्यूब रूट क्या है, तो आप बताओगे कि इसका क्यूब रूट कितना है बच्चों 4, मतलब 4 की 3 बार गुणा करके 64 आया होगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाली संख्या में मैं वही वाली बात आपको बताने वाला हूं, ठीक। चलिए देखिए बच्चों, यहां पर आपको बताना है कि 512 किस संख्या की 3 बार गुणा करके आया होगा और 343 किस संख्या की गुणा 3 बार करके आया होगा। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो यह है कि आप 512 के फैक्टर कर लो तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, वरना तो ये जो क्वेश्चन मैं लिखा हूं, तो इन क्वेश्चन को लिखने का जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत सारी संख्याओं के क्यूब रूट और स्क्वायर रूट साथ साथ में याद कराना चाहता हूं, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोगों को ये बताया जाए कि 512 किसका क्यूब रूट है, तो बच्चों आप ध्यान रखना कि 512 किसका क्यूब रूट है, बताइए 8 का, और बटे का निशान है, और 343 बच्चों बताइए किसका क्यूब रूट है, बताओ 7 का। तो इस तरह से जो आपका आंसर निकल करके आ गया बच्चों, वो निकल कर आ गया 8/7, मतलब अगर आप 8 की गुणा 3 बार कर देंगे तो आपको 512 मिलेगा, 7 की गुणा 3 बार करेंगे तो आपको 343 मिलेगा। इस तरीके से बच्चों 512 का क्यूब रूट 8 है और 343 का क्यूब रूट कितना है 7, याद करते चलो। 512 का क्यूब रूट कितना है बच्चों 8 और 343 का क्यूब रूट कितना है बच्चों 7, ये चीज आप याद करते चलिए। फिर इसी तरीके से देखिए, तो अगर हम 729 की बात करते हैं, तो बच्चों 729 का क्यूब रूट कितना होता है बच्चों, 729 का क्यूब रूट निकल का आएगा 9 और 1331 का क्यूब रूट निकल का आएगा बच्चों 11। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा हमारा 9/11, याद करने हैं, ठीक है। निकाल के तो मैं दिखाई दूंगा आप लोगों को, अभी एक निकाल के दिखाऊंगा फिर आप कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए फिर आगे अगर हम चलते हैं, तो हम बात करते हैं यहां पर पॉइंट वाली संख्याओं की। आप कभी भी पॉइंट को लेकर के परेशान नहीं होंगे, पॉइंट को आप लोगों को कुछ समझना नहीं है, पॉइंट का मतलब नथिंग होता है, ठीक है, एक तरीका ये। और दूसरी तरीके बच्चों ये भी कर सकते हो कि जैसे देखिए यहां पर पॉइंट और यहां पर पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद बच्चों 3 संख्या यहां भी है और पॉइंट के बाद 3 संख्या यहां भी है, तो जब पॉइंट के बाद समान नंबर देखा करो, समान डिजिट्स देखा करो, तो उसको बच्चों पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया, उसका कोई मतलब नहीं बचा। तो फाइनली ये नंबर जब पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा 64 और बटे में कितना 125 और यहां बच्चों क्यूब रूट का निशान। अब फिर से वही वाली बात, तो बच्चों अगर 64 का क्यूब रूट निकालना पड़े तो आपको लिख लेना है 4, 125 का क्यूब रूट निकालना पड़े तो आपको लिख लेना है 5, तो इसका आंसर बच्चों निकल का आ जाएगा 4/5, ठीक है। अब एक संख्या मैं आपको बताता हूं, देखिए जैसे यहां पर ये 64 है, तो अगर आप लोग 64 का फैक्टर करोगे
तो बच्चों 64 का फैक्टर निकल के आ जाएगा यहाँ पर। अगर आप पहले 64 का अगर बच्चों फैक्टर करते हो तो देखिए, सबसे पहले हमें 2 से काटना चाहिए, तो 2 से काटेंगे बच्चों 32, 2 से काटेंगे बच्चों 16, 2 से काटेंगे बच्चों 8, और 2 से काटेंगे बच्चों कितना 4, और 2 से काटेंगे तो बच्चों कितना 2, और 2 से काटेंगे तो बच्चों कितना 1। अब आप देखिएगा कि यहां पर 2 2 2 3 बार आया, तो कहने का मतलब यह है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर करके कि 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो 1 2 3 4 5 और 1 बच्चों कितना 6। ठीक है, ऐसे 125 को बच्चों लिखा जा सकता है 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, तो हमें बाहर वो संख्या निकालनी है जिसकी गुणा अंदर 3 बार हुई है। तो देखिए बच्चों, यहां पर गुणा 3 बार किसकी हुई है, 5 की, तो देखिए बटे में 5 आ गया। ऊपर देखो आपको कितनी बार 2 दिखाई दे रहा है, 6 बार, तो इन 3 का जोड़ा बना लो और इन 3 का जोड़ा बना लो, मतलब यहां पर इस वाले 2 की गुणा 2 बार हुई है तो बच्चों 1 बार 2 बाहर आ जाएगा, और यहां पर इस वाले 2 की गुणा 3 बार हुई है तो यहां पर फिर से 2 आ जाएगा, और बटे में बच्चों कितना रहेगा 5, तो आपका आंसर निकल के आ गया 4/5। तो चाहे तो आप फैक्टर करके कर लो और चाहे आप बच्चों डायरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक, चलिए इसी के साथ लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, फिर से हमारा अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको फिर से इन संख्याओं का क्यूब रूट ही निकालना है। ठीक है, और मैं भी क्यूब रूट बता चुका हूं कि किस संख्या की गुणा 3 बार करके ये आया होगा, वो संख्या आपको बतानी है बस। तो बच्चों देखो, पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6 नंबर यहां भी है और पॉइंट के बाद 6 नंबर यहां भी। मैं बार बार बताता हूं कि जब भी पॉइंट के बाद समान यूनिट होंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा और पॉइंट का कोई मतलब नहीं बचेगा। तो फाइनली बच्चों ऊपर बचेगा आपका 216 और इधर बचेगा बच्चों आपका 125। ठीक, तो 216 किसका क्यूब रूट है बच्चों, 6 का, याद कर लो फिर से, और 125 का क्यूब रूट अगर करोगे तो बच्चों कितना निकल का आएगा आपका, ये बच्चों 125। ठीक है, तो 125 का अगर करेंगे तो कितना निकल का आएगा, 5, तो इसका आंसर बच्चों निकल करके आ गया हमारा 6y। ठीक है, कितना निकल का है, 6y5। फिर अगर हम यहां पर बात करें तो फिर से देखिए पॉइंट के बाद जो हमारे डिजिट्स हैं उनकी संख्या फिर से बराबर है, तो बच्चों यहां पर हम इसको पॉइंट से पॉइंट क्या करेंगे, कैंसिल, तो फाइनली यहां पर हमारी वैल्यू बची है क्यूब रूट 1/343। और मैंने अभी बच्चों आपको पीछे बताया था कि जो 343 है तो वो किसका क्यूब रूट है बच्चों, 7 का, और जो 1 है, अब बच्चों 1 को तो आप कितना भी गुणा कर लो 1 का तो सब कुछ एक ही रहता है, स्क्वायर रूट भी 1 होता है, क्यूब रूट भी 1 होता है, 1 की गुणा 1 से कितनी बार करोगे 1 ही रहेगा, तो बच्चों इसका मान निकलेगा 1 और 343 का बच्चों कितने का निकलेगा, 7, तो बताइए आंसर कितना निकल के आया आपका, 1/7, तो इस तरह से इसका आंसर 1/7 आया। ठीक है, तो ये एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अब धीरे धीरे हमें अपना लेवल बढ़ाना है। ठीक है, चलिए अपना क्वेश्चन लेते हैं फिर से अगला। तो बच्चों देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है इफ द स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज 32। ठीक, अब स्क्वायर रूट का मतलब देखिए, मैंने बताया था कि कहीं भी अगर स्क्वायर रूट पूछेगा तो उसका मतलब होता है बच्चों यहां पर बच्चों हमारा होता है फिर इसका मतलब देखिए। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि अगर स्क्वायर रूट की बात करें तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो 1000 √1024 कह रहा ना स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज 32, मतलब √1024 की वैल्यू क्या है बच्चों, 32 है। तो आपसे इस वाली वैल्यू के विषय में पूछा गया है कि सारे का मान कितना होगा। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको यहां पर पॉइंट भी दिखाई दे रहे होंगे, पॉइंट को एकदम दिमाग से निकाल दो, पॉइंट कुछ होता ही नहीं है, पॉइंट देख करके बिल्कुल नहीं डरना। ठीक है, आप देखो जरा ध्यान से, अगर हम पॉइंट को नहीं देखते हैं तो क्या, जरा ध्यान से देखो, हर जगह पर आप लोगों को √1024 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, रूट मत देख, पॉइंट नहीं देखना, बस रूट और संख्या देखिए।
तो देखिए 1024 1024 1024 1024 सब जगह दिखाई दिया, और आप जान रहे हो कि इस पूरे रूट 1024 की वैल्यू कितना दे रखी है बच्चों, 32 दे रखी है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सब जगह उठा करके रूट 1024 रूट 1024 और रूट 1024 की जो वैल्यू दे रखी है हमें बच्चों पहले उसको ऐसे का ऐसा लिख देना है, क्योंकि जैसा उसने ऊपर बताया। अब बात आती है पॉइंट की, देखिए यहां पर कोई पॉइंट नहीं है तो हमें यहां पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर देखिए यहां पर बच्चों पॉइंट के बाद दो नंबर है। जब भी कभी जिसके पीछे जहां पर कुछ नहीं लिखा होता वहां दो लिखा होता है, इसका मतलब है कि हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो अगर बच्चों कहीं पर भी पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे तो स्क्वायर रूट निकालते समय पॉइंट की संख्या हाफ हो जाती है। हाफ का मतलब देखिए यहां पर पॉइंट कितने के बाद है, दो, तो यहां बाहर आते आते पॉइंट बच्चों कितने के बाद बचेगा, एक, क्योंकि दो का आधा एक होता है। अब देखिए यहां पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या बची है बच्चों, चार, और चार का बच्चों आधा कितना होता है, दो, तो यहां पर चार पॉइंट पॉइंट के बाद चार संख्या है, तो चार का आधा दो, मतलब यहां आते आते पॉइंट के बाद केवल दो संख्या बचेंगी। और पॉइंट बच्चों हमेशा राइट साइड से लगाना चाहिए, तो एक और एक दो, तो अगर हम बात करते हैं तो देखो तो बच्चों कितना आएगा, 0.32 निकल कर कहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक, दो, तीन, चार, पांच और एक छह संख्या है, तो बच्चों छह का आधा कितना होगा, तीन, इसका मतलब इस बार तीन के बाद पॉइंट लगना है। और काउंटिंग फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड से हम लोग बच्चों काउंटिंग करते हैं, तो एक और दो, तो हमारे पास तो दो ही है जबकि पॉइंट तीन के बाद लगाना है, तो जब भी हमारे पास संख्या कम पड़ेगी तो हम उसको जीरो बढ़ा करके पूरा कर लेंगे और तब जाकर के अपना पॉइंट लगाएंगे, और इसके साइड एक जीरो दर लगाते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 0.032। अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर प्लस का निशान है, तो आप भी यहां सब जगह अपना प्लस का निशान लगा लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको संख्याओं को क्या करना है बच्चों, जोड़ करके दिखाना है, ठीक है। अब देखिए, अब जोड़ने का आसान सा तरीका यह है, ध्यान से देखो यहां पर पॉइंट के बाद कितने नंबर है बच्चों, तीन, जबकि यहां कितने हैं, दो, तो जब जोड़ने के लिए चलोगे तो हमेशा पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक और एक दो, तो इसको पूरा करने के लिए आप इधर की साइड जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो कितने भी बढ़ाने पर वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए बच्चों यहां पर दो एक है, तो यहां पर हम दो जीरो बढ़ाएंगे तो इधर भी तीन हो गया, इधर बच्चों कोई भी पॉइंट नहीं लगा तो इधर हमें तीन जीरो लगाने पड़ेंगे, और अब जाकर के देखिए पॉइंट के बाद सब जगह तीन तीन संख्या आपको नजर आ रही होंगी। अब हमारे लिए जोड़ना आसान हो गया। जोड़ना कैसे आसान हो गया, आपको राइट साइड से पहला 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 नंबर उठाते चलना सबका, जैसे बच्चों यहां से मिला दो, यहां से बच्चों कितना मिलेगा जीरो, तो दो में जीरो जुड़ेगा दो ही रहेगा, यहां भी दो में जीरो जुड़ेगा दो ही रहेगा, यहां भी दो रहेगा, तो आप बच्चों सबसे पहले लिख दीजिएगा दो। अब दूसरा नंबर उठाना है तो दूसरे नंबर पर यहां तीन है, तीन और दो पांच हो जाएगा, पांच में जीरो जुड़ेंगे पांच ही रहेगा, पांच में जीरो जुड़ेंगे पांच ही रहेगा, ये बच्चों हो जाएगा आपका पांच। अब इधर की साइड से तीसरा नंबर उठाना है, ये बच्चों जीरो मिला, ये तीन मिला, ये दो मिला, तीन और दो पांच हो गया, यहां से जीरो मिला तो बच्चों कितना रहेगा, पांच ही रहने वाला है। अब इसके बाद देखिए पॉइंट लगा है तो आपको यहां पर भी पॉइंट लगाना है। अब पॉइंट के बाद पहली संख्या, तो पॉइंट के बाद पहली संख्या जीरो है, यहां भी बच्चों जीरो है, यहां बच्चों तीन है, और तीन और दो बच्चों कितना हो जाएगा बताइए, पांच। और बच्चों पॉइंट के बाद दूसरी संख्या की बात करेंगे तो कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, बस केवल एक संख्या ये है, तो इसको आप ऐसा उतार दीजिएगा तो बच्चों आपका आंसर निकल करके आ जाएगा 35.552, ठीक है। तो देखिए इतना क्वेश्चन को करना आसान है, हाँ मैं टाइम क्वेश्चन बड़ा नहीं हो रहा, देखिए हम कितने आसानी के साथ एक लाइन में अपना आंसर लेकर के आए हैं, बट मैं आपको समझा बहुत आसानी से और आराम से रहा हूं, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, बट अगर आप जल्दी से समझ रहे होंगे तो आप वीडियो को तेज करके भी देख सकते हैं, बट देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर एक ही लाइन में। चलिए लेते हैं फिर से अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों फिर से अगला क्वेश्चन है जो हमारे दो तीन परीक्षाओं में पूछा गया है, मैंने इसको कुछ मॉडिफाई करा है, कुछ नए तरीके से बनाया आप लोगों के लिए। देखिए यदि कह रहा है 2025 का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का मतलब जब भी स्क्वायर रूट होगा तो इसका मतलब
बच्चों सीधा सा होता है कि जब भी कभी आप लोगों को स्क्वायर रूट के विषय में बात करें, ठीक है, तो देखिए ये हमारा, तो देखिए बच्चों यहां पर हमारा 2025 का, ठीक है, अगर स्क्वायर रूट कहेगा तो इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है, तो 2025 अगर कहीं भी दिखाई पड़ेगा तो उसकी जगह आपको क्या लिखना है, 45, ठीक। और इसी तरीके से बच्चों यहां पर दिया है 1369 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मतलब बच्चों क्या हो गया, स्क्वायर रूट का मतलब हो गया ये, ठीक है, 1369 रूट 1369 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 37, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को कहीं भी अगर रूट 2025 दिखाई पड़ेगा तो उसकी जगह पहले आप 45 रख लीजिए। देखिए एक तो यहां पर दिखाई पड़ा, एक यहां पर दिखाई पड़ा, तो यहां पर आप बच्चों लिख लीजिएगा 45, यहां पर भी आप लिख लीजिएगा 45, ठीक है ना। इसके बाद अगर कहीं पर रूट 1369 दिखाई पड़ेगा, पॉइंट को ध्यान में नहीं रखना है, तो रूट 1369 की वैल्यू बच्चों कितनी दी है बताइए, 37, तो आप लोगों को यहां पर भी बच्चों पहले 37 लिख लेना है, यहां पर भी बच्चों कितना लिख लेना है, 37। तो हमने रूट की सारी वैल्यू लिख ली, अब हमें पॉइंट में डील करना है। देखिए यहां पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, तो जब पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते हैं यहां पर रूट के अंदर, तो रूट से बाहर आते आते पॉइंटों की संख्या हाफ हो जाती है, तो 2 की जगह बच्चों कितना पॉइंट बचेगा, केवल 1। यहां पर कितने पॉइंट है बच्चों, 4, 4 का आधा 2, राइट साइड से काउंट करेंगे तो देखिए ये बचेगा आपका 2 पॉइंट, ठीक है। ऐसी बच्चों यहां पर कितने हैं, 4, 4 का आधा 2, राइट साइड से काउंट करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा 0.37। यहां पर देखो बच्चों कितने हैं, यहां पर बच्चों है 6, और 6 का आधा कितना बच्चों, 3, तो इधर बचेंगे 3, लेकिन हमारे पास 2 ही संख्या है तो 3 पूरा करने के लिए 0 बढ़ाएंगे और पॉइंट लगा करके बच्चों हम इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ऊपर सब जगह प्लस का निशान लगा है तो बच्चों आप लोगों को भी सब जगह अपने प्लस के निशान रख लेने हैं, ठीक है ना, सब जगह। लेकिन अब सुनिए यहां पर देखो बच्चों, पॉइंट के बाद यहां पर कितने नंबर है आपके, 3, तो यहां भी बच्चों कितने होने चाहिए, 3, पूरा करने के लिए 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहां पर बच्चों कितने नंबर है, 2, तो पूरा करने के लिए 0 बढ़ाएंगे। यहां पर बच्चों कितना नंबर है, 1, तो यहां पर बच्चों पूरा करने के लिए हम लोग 2 0 बढ़ाएंगे। बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए कुछ नहीं करना, राइट साइड से अपना पहला पहला नंबर उठा करके चलेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहां पर उठाया 7, यहां पर है 0, यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0, तो आपको मिलेगा बच्चों पहली संख्या 7। अब दूसरी संख्या में यहां मिला बच्चों 3, 7 और 3 हो गया 10, 10 और 5 हो गया 15, 15 में 0 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, तो आ गया बच्चों कितना बचेगा, 1। अब 1 यहां पर 0 में 1 जोड़ा, 1 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 का बच्चों 3। जब हम यहां पर पॉइंट के बाद जाएंगे बच्चों, तो यहां पर हमें पहले क्या लगाना है, अपना पॉइंट लगा देना है, और इधर कितना आया था बच्चों, ये हो गया था आपका 13 का, कितना बचे था, 1। अब यहां से बच्चों 0 में 1 जोड़ेंगे, 1, यहां पर ही बच्चों कितना होगा, 1 ही रहेगा, यहां पर भी 4 और 1 बच्चों कितना होगा, 5, तो आंसर निकल करके आ जाएगा बच्चों 5.357, ठीक है। तो ये हमारा अगले जो हमारा क्वेश्चन था उसका ये आंसर निकलता आया। चलिए ठीक है, लेते हैं फिर से अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, रूट 1296 की वैल्यू 36 और रूट 1156 की वैल्यू 34 और रूट 1681 की वैल्यू 41 है, तो आपको बताना है रूट 0.1296 प्लस रूट 0.01296 प्लस रूट 16.81 प्लस रूट 0.001681 और प्लस रूट 1156 प्लस रूट में 0.001156 प्लस रूट में बच्चों यहां पर आपको ये थोड़ा सा हटा देना है हमें, ठीक है। तो बच्चों यहां पर दिया है हमारा रूट 1111.56। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस आप देखते चलिए बच्चों। यहां पर रूट 1296 जहां भी गए दिया वहां आप चुपचाप होकर पहले 36 रख लो। तो देखिए एक तो 1296 यहां मिलेगा, एक 1296 यहां मिलेगा, तो सबसे पहले आप लोग दोनों जगह रख दीजिएगा बच्चों 36 और 36, तो बच्चों ये वाली वैल्यू हमारी पूरी होगी। अब देखिए
रूट 1681 की वैल्यू कितनी है 41, तो जहां भी कहीं रूट 1681 दिया है रूट 1681 की जगह उठा करके आप कितना रख दीजिएगा 41। बच्चों हर जगह देखिए सारा प्लस का निशान है, तो हम लोग प्लस बाद में लगाएंगे, इसकी जगह रखेंगे हम लोग 41 और फिर से बच्चों हमने रख दिया 41। ठीक, अब जहां भी कहीं आपको रूट 1156 दिखाई पड़ेगा उसकी वैल्यू 34 है, तो जहां जहां रूट 1156 आपको देखिए दिखाई पड़ रहा है वहां वहां आप 34 रख दीजिएगा। तो 1, 2 और 8 तीन जगह आया है, तो बच्चों आपको तीन जगह 34 और बच्चों 34 और आपको कितना रखना चाहिए 34 रखना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमारा देखिए क्वेश्चन, ठीक है बच्चों चलिए अब देखिए ये हमारी वैल्यू लिखी गई है। ठीक, तो आप ये बताइए, मैंने आपको बता रखा है कि ये 36 जो है हमने 1296 की जगह लिखा है, यहां पर पॉइंट के बाद चार संख्या है, तो जब पॉइंट के बाद चार संख्या है तो आपको पॉइंट के बाद कितनी संख्या लिखनी पड़ेगी यहाँ पे बच्चों 2, तो 1 और 1 2, तो ये वैल्यू बनेगी बच्चों 0.36 बन जाएगी। यहां पर बच्चों पॉइंट के बाद 6 वैल्यू है, तो 6 का आधा 3 होगा, तो यहां पर आपको पॉइंट के बाद में है ना कितना लिखनी पड़ेगी बच्चों 3, तो 0. ये हो जाएगा बच्चों 36। अब बच्चों 1681 का आपने 41 लिखा है, यहां पॉइंट के बाद 2 संख्या है, 2 का आधा 1 मिलेगा, तो बच्चों यहां पर आपको 1 का मतलब 4.1 लिखना चाहिए। यहां पॉइंट के बाद बच्चों 6 संख्याएं हैं, 2 और 4 6, 6 का आधा 3, तो यहां पर बच्चों आपको कितनी लेनी पड़ेगी 3, तो 3 में बच्चों आपको लेना पड़ेगा 1 4 0 और फिर आप 0. लगा कर लिखेंगे तो 0.41 निकल करके हमारा आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए बच्चों यहां पर 1156 यहां कोई पॉइंट नहीं लिखा है, तो 1156 की वैल्यू 34 है, तो यहां पर आपको पूरा 34 लेना चाहिए। ठीक है, फिर यहां पर बच्चों देखिए पॉइंट के बाद 6 यूनिट्स हैं, तो 6 का आधा 3, तो आपको अगला जो 34 है बच्चों उसमें 3 के बाद लगाना चाहिए, तो 0.0 और ये हो जाएगा बच्चों 34। ठीक है, फिर यहां से बच्चों 34 है और यहां पर आपके 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट का बच्चों आधा, तो यहां पर हो जाएगा आपका 3.4 निकल के आ जाएगा। ठीक, अब सबके बीच में प्लस है, तो जब हम सबको जोड़ने के लिए चलेंगे बच्चों, तो यहां पर देखिए इन सबको जोड़ने के लिए हम लोगों को सबको प्लस करना है, क्योंकि ऊपर बच्चों हर जगह प्लस का निशान है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि पॉइंट के बाद हमेशा समान संख्या रहनी चाहिए। देखिए जैसे यहां पर पॉइंट के बाद 3 है, तो यहां पर भी आप पॉइंट के बाद 3 कर लीजिए, यहां पर 1 है तो 2 0 लगा करके 3 कर लीजिए, यहां पर 3 बने हैं, यहां पर बच्चों 1 भी नहीं है तो यहां पर आप 3 कर लीजिए, यहां पर 3 बने हैं, यहां पर 1 है तो बच्चों यहां पर आप 2 0 लगा करके 3 कर लीजिए। अब देखिए आपको जोड़ना आसान होगा, क्या करना है सबकी पहली पहली संख्या उठा के चलनी है, तो बच्चों यहां से मिला 0, यहां से मिला 4, ये हो गया 0, 4 और 1 हो गया 5, यहां से मिला 0, 5 और 6 हो गया बच्चों 11, और यहां से मिलेगा 0, तो 11 का हो जाएगा बच्चों 1, कितना बचेगा 1। अब वहां से दूसरी संख्या हम लोग लेते हैं, ठीक है बच्चों, तो यहां से बच्चों 0 है और 0 कितना बचा था बच्चों 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 3 और 1 4, 4 में 0 जोड़ेंगे बच्चों 4 ही रहेगा, 4 और 4 बच्चों 8 हो जाएगा, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 रहेगा, 8 और 3 11, और 11 और 6 बच्चों कितना होगा 17, तो यहां आपका 17 होगा, कितना बचेगा 1। अब 1 को बच्चों 4 में जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, यहां से मिलेगा 0, यहां से बच्चों 0, यहां से भी 0, 5 और 1 6, और 6 में बच्चों 0 जोड़ेंगे और 6 3 हो जाएगा बच्चों 9, तो यहां पर मिलेगा आपको 9। अब देखिए पॉइंट के बाद 3 पूरे हो गए, 3 के बाद हमें आगे जाना, तो आगे जाने से पहले हम लोग पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट के बाद यहां अगर पहला नंबर मिलेगा तो 3, यहां पर मिलेगा 0, 3 और 4 7, यहां पर मिला 0, 7 और 4 11, यहां पर मिला 0, यहां पर मिला 0, तो 11 का बच्चों होगा 1, कितना बचेगा 1। अब देखिए पॉइंट के बाद और कोई संख्या नहीं बची है, लेकिन 1 बचा है, तो 3 और 1 जो 1 बचा है उसको इसमें जोड़ेंगे, 3 और 1 4, और बाकी बच्चों और कुछ नहीं मिला है, तो बच्चों आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 41.97। तो देखिए कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन है आप आराम के साथ, इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन हमने बच्चों एक ही लाइन में उसका आंसर लेकर के हम लोग आ गए, बस आपको इसके स्क्वायर रूट क्यूब रूट याद होने चाहिए। तो आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही है, इसके बाद ये जो हमारा चैप्टर है अभी बिल्कुल हम लोग बेसिक क्वेश्चन लेकर के चल
इसी तरह के है ना जो टाइप्स वाइज क्वेश्चन है हम करके और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही है। आप देखते रहिए और रेगुलर होके देखिए, डेफिनेटली आप विश्वास रखिए मैं आप लोगों को जो मैथ सिखा रहा हूँ इतने बेसिक से लेकर के और आपको एक अच्छे लेवल तक की मैथ में सिखाऊंगा। पहले मेरी जो सीरीज चलेगी वो चैप्टर वाइज चलेगी, चैप्टर वाइज इसलिए ताकि सब बच्चों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरे हो जाए। जिस दिन हमारी एक सीरीज चैप्टर वाइज पूरी होगी फिर बच्चों हम एक मिसलिनियस सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें हम सभी तरह के क्वेश्चन किया करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।